जब भी पेशेंट किसी आईवीएफ सेंटर में अपना आईवीएफ ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो उनके मन में ये सवाल रहता है कि आईवीएफ ट्रीटमेंट इतना कॉस्टली है कि हमारा निगेटिव तो नहीं हो जाएगा। तो आज हम उन कारणों की बात करेंगे जिनकी वजह से आईवीएफ साइकिल फेल हो सकती है। तो पहला कारण है बढ़ती उम्र, जो कि बहुत ही मेन कारण है। जैसे जैसे किसी भी फीमेल की एज बढ़ती जाती है, उनकी एग क्वालिटी कम होती जाती है। एग की क्वालिटी कुछ और पैरामीटर्स में भी डिपेंड करती है, जैसे कि अगर किसी भी लेडी को PCOS है या एंडोमेट्रियोसिस है या ओबेसिटी है, तो ऐसे फीमेल्स में भी एग की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं रहती है, जो कि IVF की सक्सेस रेट को डेफिनेटली अफेक्ट कर सकती है। दूसरा कारण है अगर स्पर्म में किसी तरीके की प्रॉब्लम है, अगर स्पर्म में DNA फ्रैगमेंटेशन ज़्यादा है या उसमें मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी में डिफेक्ट्स हैं, तो इसकी वजह से भी IVF सक्सेस रेट अफेक्ट हो सकती है। तीसरा कारण है यूट्राइन एंड एंडोमेट्रियल कॉजेस, मतलब कि अगर बच्चेदानी में किसी तरीके की झिल्लियां हैं या हिस्ट्री है बार बार रिपीटेड सर्जरीज़ की, किसी तरीके का पॉलिप है या कोई गांठ है, तो ऐसे लोगों में भी प्रेगनेंसी के चांसेस कम रहते हैं और IVF फेल हो सकता है। चौथा कारण है जेनेटिक एंड इम्यूनोलॉजिकल कॉजेस। कई बार एग एंड स्पर्म की क्वालिटी हमें ठीक दिख रही होती है, लेकिन उनमें कुछ ऐसे जेनेटिक इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं लग पाती है। या दूसरा, कई बार महिलाओं में बॉडी के अंदर ऐसी एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है और इसकी वजह से भी IVF फेल कर सकता है। पाँचवा कारण है आपने जो क्लिनिक चूज़ किया है, क्या आपके क्लिनिक में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है? वहाँ पे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जैसे कि ब्लास्टोसिस्ट कल्चर, फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, एरा, PGTA जैसे टेक्निक्स अवेलेबल हैं कि नहीं? सो ये सारे फैक्टर्स मिल करके आपके IVF सक्सेस रेट को डिफ़ाइन करते हैं। धन्यवाद।